नाज़रीन प्रोग्राम में आपको एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं और चलते हैं डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब की तरफ। जी डॉक्टर साहब, किस तरह देखते हैं उम्मत मुस्लिमा और जो मुसलमान बहसीत मुसलमान भी बात करूंगा और बहसीत पाकिस्तानी, हमारी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि हम एजुकेशन हासिल करते, ना सिर्फ खुद सीखते और दूसरों को भी सिखाते और आगे निकलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम बहुत पीछे हैं, एजुकेशन का बजट भी मैं जब देखता हूँ तो बहुत कम है और इस वक्त भी जो हमारी इस वक्त जो शरह ख्वानगी है बहुत पीछे, हम दूसरी इवन खत्ते के लोगों से भी हम नज़र दौड़ाएं तो हम बहुत पीछे नज़र आते हैं। क्या वजूहत है, क्या इसकी हुकूमत जिम्मेदार है या पूरा माशरा जिम्मेदार है इसका? ज़िया साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया जो है ना, और हम एजुकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है ना, और बल्कि एजुकेशन ये एक आदमी की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है बल्कि हर एक की रिस्पांसिबिलिटी है जो भी पाकिस्तान का शहरी है। आई मीन, और तालीम जैसे कि हर आदमी का बुनियादी हक भी है जो है ना, और उसको वो हुकूमत वक्त से वो अपना जो हक है वो लेना चाहिए। बात कर रहे थे आपने शुरू किया कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम। देखिए, बात यह है कि हदीस मुबारका भी है एक कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक क्यों ना जाना पड़े जो है ना। तो आप अगर ये जब हदीस मुबारका जब ये कही गई है तो उस वक्त चीन कहीं दूर था जो है ना, ये ऐसी बात नहीं थी कि उधर कोई मुसलमान बसते हों कि आप जो है ना इस्लाम की तालीम के लिए उधर जाओ। तो उस वक्त चाइना एक ऐसा रीजन था या इस रीजन में कुछ डेवलपमेंट हो रही थी, तो उसके लिए मुसलमानों को बताया गया कि आप जाएं तालीम के लिए उधर चले जाएं। अब बात कर रहे थे कि आप जो मुस्लिम वर्ल्ड की है, अब देखें हम जो मुसलमान हैं बेसिकली आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो जितनी भी ज्यादा से ज्यादा इजादात हुई हैं, जितने भी कंट्रीब्यूशन है आप देख लें, मेडिकल मेडिसिन में देख लें तो मुसलमानों का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वक्त के साथ साथ हम इसमें हमारा डिक्लाइन आता गया। उसकी कई रीजन हो सकती हैं और मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा को इसे जो है ना सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने रीजन को एजुकेशन में और खास तौर पर यानी हायर एजुकेशन में हम आगे लेके जा सकते हैं। डॉक्टर, मैं यहाँ आपने कहा कि अब वक्त आ चुका है, हाँ मुझे याद है जब सदर मुशर्रफ, बल्कि इससे पहले की बात करूंगा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर भी था तो एजुकेशन के हवाले से एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई थी। फिर मुशर्रफ साहब का दौर हमने देखा, उन्होंने भी यही बात की कि ये वक्त आ चुका है तालीम का, लेकिन आज आप भी वही जरूरत महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस पिछले ट्रेनों पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो काम नहीं, अमलन काम नहीं है। गवर्नमेंट सतह के ऊपर हमें बातें तो नजर आती हैं, बिल नजर नहीं आती, अमल नजर नहीं आता। व्हाट आर द रीजंस? देखें, बात यह है कि इसकी रीजन जो है ना, मैं जब आपको कह रहा हूं कि वक्त आ चुका है, उससे मुराद ये है कि अब जो है ना इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो है ना एज में हम रह रहे हैं। अब यह है कि हमारा जो बच्चा है, स्टूडेंट है या उसके पेरेंट्स हैं, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो वो राइट अवे जाके देख सकते हैं कि बाहर की दुनिया में कैसी एजुकेशन दी जा रही है। तो इसलिए पब्लिक प्रेशर होना चाहिए कि जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, जो गवर्नमेंट भी है, कि हमें भाई, मेरे पास भी आते हैं, जैसे गुज़श्ता दिनों मेरे पास आए हुए थे, जी हमें जो है ना इधर जो है ना आप चाइनीज लैंग्वेज के कोर्सेज कराएं, दैट वाज द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ बहावलपुर। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम इसको कराते हैं। तो इसी तरीके से ओवरऑल मेरे ख्याल में जैसे कि हमारे मुल्क में अब डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है और अभी इसके प्रोसेस को आगे जाने वाला है, तो ये ज़रूरी है कि जो एक टॉप एजेंडा होना चाहिए अवाम का जो है ना, वो देखें कि कौन से रिप्रेजेंटेटिव जो है ना उन्हें बेटर एजुकेशन उनके बच्चों को दिला सकते हैं, क्योंकि कल को उनके बच्चों ने जब ये इस दुनिया में आके इंटरेक्ट करना है तो वो एजुकेशन की वजह से ही होगा। अगर हम एजुकेशन, आप डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल तो नहीं बात कर रहा, लेकिन चूंकि ये जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है जो कि असेंबलियों में बैठे हुए हैं, इनका बड़ा अहम रोल है अगर हम एजुकेशन इस मुल्क में फैलाना चाहते हैं। अभी जो जो लोग बैठे हुए हैं, मैं जो हमें जो बजट है इस वक्त तालीम के हवाले से, अगर आप उसको थोड़ा सा चेक करें और उसको मजीद उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करें तो आपको पता चलता है कि हर पाकिस्तानी के हिस्से में तकरीबन मैं 2-2.5 रुपये का एक तालीम का बजट आता है अभी सारा। और हायर एजुकेशन के बारे में जो आपने बात भी की, 1.7% GDP, हाँ जी GDP, जिस मुल्क के GDP में 1.7% सिर्फ रखा गया हो आपके हायर एजुकेशन के लिए, क्या मुल्क तरक्की कर सकता है? दूसरी बात है, क्या फिर ये रिप्रेजेंटेटिव मुखलिस हैं? देखें जी, जहां तक आप मुखलिस होने का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में वी आल पाकिस्तानी, वी आर पेट्रियाट, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। और मैं तो नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तानी ये सोचता होगा कि मैं पाकिस्तान से मुखलिस ना हूं। लेकिन अमलन में बात, तो अमलन जहां तक बात है इसके लिए मेरे ख्याल में
एजुकेट करने की लोगों को ज़रूरत है और इनको इस नीड की ज़रूरत है कि इनको बताया जाना चाहिए कि देखें जी, अब मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ कि हमारा हायर एजुकेशन कमीशन जो है ना, इसके बारे में इंडिया में एक बार ये बयान आया कि भाई जो है ना, ये हायर एजुकेशन कमीशन इतना तरक्की करता जा रहा है, हमें इसका डिफेंस सोचना चाहिए कि हमें भी उस टाइप का सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहिए या हमें एफर्ट करनी चाहिए, अदरवाइज ये लोग जब इनके पास एजुकेशन आ जाएगी, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे कि हम इनसे पीछे रह जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि वही ममालिक आगे जा रहे हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में आगे हैं, और अब तो दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आप देखेंगे कुछ अरसे बाद जो है ना, ये बातें होने लग जाएंगी कि भाई इन स्पाइट ऑफ दिस के ये कहें ये मुल्क है, दूसरा मुल्क है, लोग कहेंगे ये फ्लां टेक्नोलॉजी ब्लॉक है, ये फ्लां टेक्नोलॉजी ब्लॉक है। तो इस तरीके से दुनिया की डिवाइड आने वाली है। अच्छा, कितना बजट होना चाहिए? मेरे ख्याल में मिनिमल जो है ना, 4% जो है ना, मिनिमल है। इसकी हाई लिमिट तो कोई भी नहीं है, और मिनिमम जो है 4% होना चाहिए, 4% होना चाहिए इसमें एजुकेशन में, तो फिर ही हम जो है ना, मेरे ख्याल में कहीं आगे जा सकते हैं, और जो दुनिया जिस रविश पर चल रही है तो हम उनके साथ कंपीट कर सकते हैं या उनमें आगे जा सकते हैं। पिछले दिनों मैं कुछ एजुकेशनिस्ट के पास बैठा भी था, बात भी की, तो उन्होंने कहा ये हमारे मुल्क में पिछले 2-4 सालों के अंदर हायर एजुकेशन पे तो तवज्जो दी जा रही है, उस पर पैसा भी लगाया जा रहा है, उसको बजट भी दिया जा रहा है, तो जो लोअर सतह की एजुकेशन है, जो ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशन, उस पर तवज्जो नहीं हो रही। एक थोड़ी सी लोगों की सेंटीमेंट इस तरह के डेवलप हुए, आप समझते हैं कि इसमें परसेप्शन में कोई है, कोई थोड़ी दुरुस्तगी? बिल्कुल जी, असल में बात यह है कि अब इसका मेरे ख्याल में आई एम नॉट द राइट पर्सन कि मैं जो है ना, जो प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात करूं जो है ना, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो हायर एजुकेशन वाले हैं ना, बेसिकली वी आर द कंज्यूमर ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन और ये सेकेंडरी एजुकेशन या इसके बाद जो लोग आ रहे हैं, और हमें अच्छे लोग ऐसे मिल सकते हैं अगर हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो। वैसे तो माँ की गोद सबसे पहला जो है ना मदरसा होता है, एंड द पीपल इफ दे आर वेल ट्रेन ओवर देयर, पेरेंट्स उसमें अच्छे तरीके से अपने बच्चों की एजुकेशन में इन्वॉल्व हों, उनका ख्याल रखें, तो देन यू गेट ए वेरी गुड क्रॉप ऑफ पीपल जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मुल्क को आगे ले जाएंगे, और वो उसी तरीके से लेके जा सकते हैं कि अगर हम भी सिलेक्टिव हों। इस सिलसिले में मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि अमेरिकन सिस्टम या आप मेरे ख्याल में यूरोपियन सिस्टम को भी देख लें, तो स्पेसिफिकली अभी पिछले दिनों साइंस जो कि एक बहुत बड़ा जर्नल है उसमें एक आर्टिकल आया हुआ था, उसमें यह है कि 44% ऑफ अमेरिकन यंग बच्चे जो है ना, वो कम्युनिटी कॉलेजेस में चले जाते हैं। अब कम्युनिटी कॉलेजेस ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे उनको टेक्निकल, जैसे हमारे पास इधर जो है ना वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है एग्जैक्टली लाइक दिस वन, उनमें उनको एक्सपर्ट किया जाता है ताकि वो अपने फील्ड में जाके एक्सपर्ट हों। लेकिन हमारे यहाँ एक जो है ना, हमने स्ट्रेटिफाई नहीं किया हुआ, हम ऐसे लोगों को भी ले आते हैं हायर एजुकेशन में जिनका एप्टीट्यूड होता ही नहीं, तो इस तरीके से प्रॉब्लम होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि लोग बात करते हैं जी मेरे बच्चे ने तो डबल एमए किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पता चलता है पंजाबी में किया हुआ, हिंदी में किया, या पॉलिटिकल साइंस में किया। हाँ जी, ठीक, तो ये आपकी बात बिल्कुल बजा है, तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास, और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँ कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ या किसी भी पंजाब की यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, चाहे आप पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, हमारे पास 99% यंग बच्चे आपको मिलेंगे जो कि वेरी हेल्दी, कोई ओबीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डेवलप वर्ल्ड में जाएं, आप अमेरिकन स्कूल में जाके देखें, आपको पता चलेगा कि 20% बच्चे ऐसे हैं जो ओबीज हैं, दे आर प्रोन टू डिफरेंट डिजीजेस, लेकिन हमारे मुल्क में तो अल्लाह मियाँ की मेहरबानी है, हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत हेल्दी है, और जैसे कि आप जानते हैं कि हेल्दी माइंड कैन एग्जिस्ट इन ए हेल्दी बॉडी। बल्कि मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ इसमें, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा मुल्क है, लेकिन इसकी 60% से ज़्यादा आबादी कहा जा रही है कि वो 30 ईयर से कम के नौजवान लड़के हैं, और फिर आपने मजीद ऐड कर दिया कि हेल्दी भी हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है। ये तो दिस इज़ ए ग्रेट फोर्स जिसको मेरे ख्याल में वी हैव टू एक्सप्लॉयट दैट वन, इनकी जो पोटेंशियल्स हैं और वो पोटेंशियल्स अनलिमिटेड हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, जब गोरे ने इस मुल्क पे कब्जा किया, हाँ जी, तो उसने जो है एजुकेशन सिस्टम जो बनाया, चूंकि ऊपर वो बैठा हुआ था, नीचे उसको इम्प्लीमेंटेशन चाहिए थे, नीचे गुलाम थे, तो दरमियान में उसको क्लैरिकल एक स्टाफ चाहिए था, हाँ जी, तो उसने ये जो हमारा सिस्टम बीए का एमए का उसमें किया, जिसमें हम मुख्तलिफ
बाऊ जिसे हम कहते हैं बनाने के लिए, कि वो दफ्तरों में आके हमारा नौजवान बस वो ये समझता था कि एमए कर लिया तो मैं बाऊ बन के दफ्तर में बैठ जाऊंगा, एक कमरा होगा खूबसूरत सारा, तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से दूर होता चला गया। आज भी मैं यूनिवर्सिटियों में ये देखता हूँ कि नौजवानों का यही ख्याल है कि जब हम एमए कर लेंगे तो एक बड़ा सा ऑफिस होगा और उसमें जॉब मिल जाएगी, लेकिन जब ऐसा नहीं होता क्योंकि मार्केट में तो उनकी ज़रूरत ही कोई नहीं होती, तो फिर वो बेचारे बेरोज़गार होते हैं, एक नए मिसाइल यहाँ जन्म ले रहे हैं। क्या इसकी वजह ये है कि ये जो बेरोज़गारी है कि वो जो तालीम लेनी चाहिए वो नहीं ले रहे, या फिर हमारा पूरा सिस्टम ही इसमें इसको रिफॉर्म होने की ज़रूरत है? इसमें जो बात आपने करी है जो है ना कि हमारे इट गोज़ टू आर द एजुकेशनल सिस्टम जो है ना, वो बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि ठीक है गोरा हमें कोई सिस्टम इनहेरिट कर गया, तो वाई वी आर नॉट चेंजिंग दैट वन? देखें जी, अब तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अब तो कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मुझे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में चाहिए कि ये भाई अमेरिका में कैसे पढ़ाया जाता है, इट्स जस्ट ए फोन कॉल अवे, और इट्स जस्ट ए क्लिक ऑफ कंप्यूटर अवे जो है ना। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस हमारे माशरे को जितनी जरूरत है पाकिस्तानी सोसाइटी को, साइंटिस्ट की, इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की, यानी जो प्रैक्टिकल किस्म के मैं समझता हूँ सब्जेक्ट्स हैं, वो उस लेवल पे हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, या फिर हमारे ज्यादा अगर पंजाब यूनिवर्सिटी का जिक्र करें या बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के दीगर शोबे हैं जिसमें पंजाबी है, उर्दू है, हमारी मार्केट को इतनी जरूरत नहीं है जबानों की और इस तरह की तालीम की, लेकिन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक लॉट ऑफ नंबर्स, हमारे स्टूडेंट्स हर साल निकल के मार्केट में आ रहे हैं, उस वजह से एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक क्राइसिस सा पैदा हुआ है। देखिए इस पे मेरे ख्याल में कि एक जिसे कहा जा सकता है कि नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, और उसमें जो हायर एजुकेशन वाले हैं वो भी हूँ, और जो प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन वाले वो भी हूँ, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ, और उसमें एवेल्युएट करें कि हमारी नीड्स क्या हैं। देखिए मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि पंजाबी डेफिनेटली होनी चाहिए जी, ये हमारी ज़बान है, हम अपने इसको क्यों भूलें। इसी तरीके से जो दूसरी भी लिंग्विस्टिक जो है ना, वी शुड नॉट, और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो कौमें अपने अबाव अजदाद को और अपनी वैल्यूज़ को भूल जाती हैं जो है ना, दे नेवर सक्सीड। इसमें इन चीज़ों को हमें एलिमिनेट नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका कंसर्न भी बिल्कुल बजा है, हमें एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना चाहिए कि हमें भाई पंजाब से इस वक्त बैलेंस है। मुझे अगर पर्सनली माय पर्सनल ओपिनियन, मेरे ख्याल में बैलेंस नहीं है। हम कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि हमारे मार्केटेबल नहीं हैं, हम उसमें एक्सेसिव प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, एंड दे आर बिकमिंग ए बर्डन फॉर द नेशन और फॉर सोसाइटी जो है ना। ठीक हो गया। अच्छा, हायर एजुकेशन में आप इन्वायरमेंट कैसी देखते हैं इस वक्त? हायर एजुकेशन में इन्वायरमेंट तो बहुत ही, जहाँ जब से ये हायर एजुकेशन, क्योंकि ये हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर आता है, और अब जैसे कि डेवोल्यूशन हो गई तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रोविंसेस में भी बन गए जो है ना, तो ओवरऑल तो इट हैज़ बीन ए वेरी बिग चेंज। इफ़ यू सी, जब से ये हायर एजुकेशन कमीशन बना है 2002 से अब तक, यानी विद इन फ्यू ईयर्स वेरी ड्रामेटिक चेंज। अब देखें कि हमारी दो या तीन यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में आ चुकी हैं, तो इसी तरीके से हमारे और भी काफ़ी सारे नए इंस्टीट्यूट बनते जा रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसी स्टेज आ गई है मेरे ख्याल में, इसमें गवर्नमेंट भी सोच रही है कि भाई ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप कर लिया है, वी ट्राई टू यूटिलाइज इट एट मैक्सिमम लेवल। जैसे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल देता हूं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, जो कि एक अकेली यूनिवर्सिटी है उस साइड पर जो है ना, साउदर्न पंजाब, यानी यू क्रॉस द मुल्तान, और उसके बाद जो है ना आप चले जाएं सिंध तक, हम ही हैं। तो हमने अपनी यूनिवर्सिटी में, हमने सोचा कि ये बिल्डिंग है ये खाली पड़ी रहती है, हमने उसमें वीकेंड प्रोग्राम इवन शुरू कर दिया है, वो ये है कि भाई फ्राइडे, सैटरडे, संडे को यूनिवर्सिटी खाली होती है, उसकी बिल्डिंग खाली पड़ी रहती है, तो उस वीकेंड प्रोग्राम में वी हैव ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे जो हाई डिमांड प्रोग्राम है, जैसे कंप्यूटर साइंस है, उनकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है हमारे मुल्क में भी, बाहर भी जो है ना। इसी तरीके से हमने डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है, विच इज टोटली डिफरेंट, यानी ऐसे नहीं कि उनसे लिंक नहीं होता, यानी उनके 50% कॉन्टैक्ट आवर्स जो है ना वो टीचर्स के साथ होते हैं, उनके मेंटर्स के साथ होते हैं, तो हम वी आर वर्किंग ऑन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट वी है, कि अगर हमारे पास नहीं है अवेलेबल तो जो है उसको जो है ना उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल यूटिलाइज करनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेता हूँ, फिर मैं आपके साथ दोबारा आता हूँ। नाज़रीन, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आपके साथ हमारे साथ रहिएगा।